तो फ्रेंड्स, आईपीएल 2020 के सीजन का 15वां मैच आज आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स की टीमों के बीच दुबई में खेला जाएगा। दरअसल शाम 3:30 बजे से ये मैच दुबई में खेला जाएगा और मैं इस वीडियो में आपको इस मैच के रिगार्डिंग ए टू जेड सभी इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपको पिच रिपोर्ट, इसके साथ ही दोनों टीमों के हेड टू हेड के रिकॉर्ड, इसके साथ ही आपको दोनों टीमों की तरफ से क्या न्यूज़ निकल कर रही है वो भी इस वीडियो में बताऊँगा। और वीडियो के आखिर में आपको दोनों टीमों की प्लेइंग 11, इसके साथ ही आपको इस मैच की प्रिडिक्शन बताई जाएगी। यानी इस मैच से पहले आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर कौन सी टीम ये मैच जीतेगी। आपको कंफर्म्ड प्रिडिक्शन इस वीडियो में मिलेगी, तो ओवरऑल वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी क्रिकेट के बड़े फैन, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जो आज आईपीएल 2020 के सीजन का 15वां मुकाबला आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स के बीच दुबई में खेला जाएगा। इस मैच की क्या पिच रिपोर्ट रहेगी, किस तरीके से पिच इस मैच में रहेगा। अगर हम बात करें पिच रिपोर्ट की, तो यहां पर दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में अब तक जितने भी आईपीएल के मैचेस हुए हैं, उनमें जिस टीम ने पहले बल्लेबाजी करी, सभी मैच उस टीम ने जीते हैं। यानी पहले बल्लेबाजी कर जो टीम यहां पर 160 प्लस का स्कोर कर देती है, वो टीम यहां पर ऑलमोस्ट सभी मैच जीत चुकी है। इसके साथ ही यहां का एवरेज स्कोर भी 160 रहा, यानी 160 से अबव जिस टीम ने भी रन बनाए हैं, उससे टीम ने यहां पर ऑलमोस्ट 90% मैचेस जीते हैं। इसके साथ ही यहां की बाउंड्री काफी बड़ी है, ऑलमोस्ट यहां पर 75 से 80 मीटर की बाउंड्री है, तो यहां पर बाउंड्री क्लियर करना काफी मुश्किल है। इसी वजह से यहां पर ज्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते हैं। और आरसीबी की टीम के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, आरसीबी की टीम इस स्टेडियम में जो अपना पिछला मैच खेली थी, वो मैच ये टीम जीत कर आई है। टीम ने मुंबई इंडियंस को इस मैदान में, इस पिच पर पहले हरा दिया है। और आरसीबी की टीम ने यहां पर 200 रन अपने पिछले मैच में स्कोर किए थे। इसके साथ ही आरसीबी की टीम के स्पिन गेंदबाजों ने यहां पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, तो यहां पर काफी लो स्कोरिंग या फिर एवरेज स्कोरिंग मैच होगा। इसके साथ ही इस पिच पर स्पिन गेंदबाजों को काफी अधिक मदद मिलेगी। और आरसीबी की टीम के पास तो यहां पर 3 टॉप क्वालिटी के स्पिनर है, हालांकि राजस्थान रॉयल्स की टीम के पास भी अच्छे खासे स्पिन गेंदबाज है। वैसे आप कमेंट करके बताइए, आपके अकॉर्डिंग दोनों टीमों में से कौन सी टीम के पास अच्छी क्वालिटी के स्पिनर है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय कमेंट जरूर करें। इसके बाद बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, यानी हेड टू हेड के फैक्टर की। आखिर दोनों टीमों का अब तक आईपीएल में हेड टू हेड में क्या रिकॉर्ड रहा है। दरअसल इन दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 21 आईपीएल के मैचेस हो चुके हैं, जिसमें से राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 10 बार मैच जीते, जबकि आरसीबी की टीम ने केवल 8 मैच जीते हैं। और 3 मैच इन दोनों टीमों के बीच टाई हो चुके हैं, यानी काफी कड़ा इन दोनों टीमों के बीच कॉम्पिटिशन रहा है। और ओवरऑल राजस्थान रॉयल्स की टीम यहां पर आरसीबी की टीम से थोड़ी आगे दिख रही है। इसके साथ ही जो पिछले 2 सालों में इन दोनों टीमों के बीच 3 आईपीएल के मैच हुए हैं, वो तीनों ही मैच यहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने काफी आसानी से जीत लिए हैं। तो हेड टू हेड के मामले में तो यहां पर अनडाउटली राजस्थान रॉयल्स की टीम आरसीबी से काफी आगे दिख रही है। वैसे आप कमेंट करके बताइए, आपके अकॉर्डिंग आज आरसीबी की टीम अपनी 9वीं जीत हासिल करेगी या फिर राजस्थान रॉयल्स की टीम अपनी 11वीं जीत हासिल करेगी, आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम ये मैच जीतेगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इसके बाद बात करते हैं तीसरे फैक्टर की, यानी टीम न्यूज की। आखिर मैच से पहले दोनों टीमों की तरफ से क्या न्यूज, क्या खबर निकल कर आई है। अगर सबसे पहले हम बात करें आरसीबी की टीम की, तो आरसीबी की टीम के लिए यहां पर मैच से पहले एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। इस टीम के सबसे एक्सपेंसिव ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस अब पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं, उनकी इंजरी की रिपोर्ट अब आ चुकी है और इस मैच में खेलने के लिए वो पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं। हालांकि आरसीबी की टीम उन्हें कहां पर खिलाएगी, प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, ये आरसीबी की टीम के लिए एक समस्या होगी। इसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान रॉयल्स की टीम की, तो राजस्थान रॉयल्स की टीम को शेन वॉन ज्वाइन कर चुके हैं, एज अ मेंटर वो इस टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ ही यशस्वी जायसवाल को इस मैच में मौका मिल सकता है, ऐसी रिपोर्ट, ऐसी खबर निकल कर रही है कि रॉबिन उथप्पा को वो प्लेइंग 11 में रिप्लेस करेंगे। इसके बाद बात करते हैं चौथे फैक्टर की, यानी दोनों टीमों की इस मैच में होने वाली प्लेइंग 11 की। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं यहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम की प्लेइंग 11 की, तो एक बार फिर से जोस बटलर और स्टीवन स्मिथ हमें ओपन करते हुए दिखेंगे, जबकि मिडल ऑर्डर में नंबर 3 पर संजू सैमसन, नंबर 4 पर यशस्वी जायसवाल और नंबर 5 पर रियान पराग दिखेंगे। जायसवाल की इस बार प्लेइंग 11 में एंट्री हो जाएगी। इसके साथ ही जो इस टीम का लोअर ऑर्डर होगा, जो फिनिशर्स होंगे, उसमें नंबर 6 पर राहुल तेवटिया, नंबर 7 पर टॉम करन होंगे। इसके बाद जो इस टीम की टेल्स होगी, जो ऑलराउंडर और प्रॉपर गेंदबाज होंगे, उसमें नंबर 8 पर जोफ्रा आर्चर, नंबर 9 पर सुरेश गोपाल, नंबर 10 पर जयदेव उनटकड और नंबर
2011 पर अंकित राजपूत की जगह वरुण एरोन की एंट्री हो जाएगी, उनको जगह मिल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आरआर की प्लेइंग 11 आज के मैच में रहेगी। इसके बाद अगर हम बात करें आरसीबी की टीम की प्लेइंग 11 की, तो देवदत्त पाडिकल और एरोन पिंच एक बार फिर ओपन करते हुए दिखेंगे, जबकि मिडल ऑर्डर में नंबर 3 पर विराट कोहली, नंबर 4 पर एबी डिविलियर्स और नंबर 5 पर गुरकिरत सिंह मान हमें खेलते हुए दिखेंगे। इसके बाद जो इस टीम का लोअर ऑर्डर होगा, जो फिनिशर्स होंगे, उसमें नंबर 6 पर शिवम दुबे, नंबर 7 पर वाशिंगटन सुंदर दिखेंगे। इसके बाद जो इस टीम की टेल्स होगी, जो प्रॉपर गेंदबाज होंगे, उसमें नंबर 8 पर इसरू उड़ाना, नंबर 9 पर नवदीप सैनी, नंबर 10 पर एडम जाम्पा और नंबर 11 पर युजवेंद्र चहल दिखेंगे। कुछ इस तरीके से दोनों टीमों की प्लेइंग 11 होगी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग दोनों टीमों में से कौन सी टीम की प्लेइंग 11 ऑन पेपर सबसे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। आप उस टीम का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इसके बाद बात करते हैं इस मैच के पांचों और आखिरी फैक्टर की, यानी मैच प्रेडिक्शन की, आखिर कौन सी टीम ये मैच जीतेगी। तो अब तक जितनी भी बड़ी वेबसाइट या फिर बड़े सोर्सेस के अकॉर्डिंग इस मैच की जो प्रेडिक्शन की रिपोर्ट निकल कर आई है, उसके अकॉर्डिंग आरसीबी की टीम के 52.6% ये मैच जीतने के चांसेस है, जबकि राजस्थान रॉयल्स की टीम के 47.4% ये मैच जीतने के चांसेस है। यानी मैच प्रेडिक्शन के मामले में आरसीबी की टीम थोड़ी आगे दिख रही है। वैसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम के कितने परसेंट ये मैच जीतने के चांसेस है, और आपकी क्रिकेट नॉलेज के अकॉर्डिंग कौन सी टीम ये मैच जीतेगी। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइए। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।